हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में। तो दोस्तों, आज एक नई लेटेस्ट अपडेट आई है, एक नया प्रेस नोट आया है। क्या है प्रेस नोट में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इससे होगा कि जैसे ही मैं कोई लेटेस्ट अपडेट लेकर आऊँगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड से जुड़ी, तो सबसे पहले आप वीडियो को देख सकेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को, और वीडियो में आपको मैं प्रेस नोट बताने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, जैसा कि हम प्रेस नोट में आ चुके हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। तो दोस्तों, ये आज दिनांक देख सकते हो 3 अक्टूबर 2018। सूचना राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2016 में सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विज्ञान, हिंदी, उर्दू व संस्कृत विषय हेतु अंतिम रूप से चयनित एवं आयोग द्वारा अभिस्तावित अभ्यर्थियों की संशोधित संलग्न सूची दिनांक 3 अक्टूबर 2018 में विवरणांकित अभ्यर्थियों से मंडल आवंटन हेतु अपना विकल्प पत्र 3 अक्टूबर 2018 से 4 अक्टूबर 2018 तक प्रातः 9:30 बजे से 6:30 बजे तक व्यक्ति उपस्थित होकर, मतलब आपको खुद जाना पड़ेगा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के परिसर गोल बिल्डिंग में विकल्प पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सूची में अंकित अभ्यर्थियों अनिवार्य रूप से अपना विकल्प पत्र निर्धारित तिथि को व्यक्ति उपस्थित होकर जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त के क्रम निर्देशित किया जाता है कि समस्त अभ्यर्थी अपने विकल्प पत्र के साथ मूल पहचान पत्र व उसकी हस्ताक्षरित प्रति आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से साथ लाना सुनिश्चित करावे एवं हस्ताक्षरित प्रति विकल्प पत्र के साथ जमा कराया जाना सुनिश्चित करावे। ऐसी महिला अभ्यर्थी जो कि वर्तमान में प्रसूतावस्था में है, वे अपना विकल्प पत्र संरक्षक के माध्यम से जमा करवा सकती है। ऐसे अभ्यर्थियों के संरक्षक विकल्प पत्र जमा करवाते समय आवेदक का मूल पहचान पत्र एवं हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा स्वयं संरक्षक का मूल पहचान पत्र व उसकी छाया प्रति अनिवार्य रूप से लाएं एवं उसकी प्रतियां विकल्प पत्र के साथ जमा कराएं। तो दोस्तों, ये आपके लिए कुछ सूचना दी हुई है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर। तो दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला। तो दोस्तों, ये एक नीचे लिस्ट दी गई है, देख लीजिए, आपका नाम तो नहीं है, ये आप देख लीजिएगा। तो देख सकते हैं इसमें क्या लिखा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 विशेष सामाजिक विज्ञान में चयनित अभ्यर्थियों से मंडल आवंटन हेतु विकल्प पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त संबंध में लेख है कि जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में अपना ऑनलाइन विकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं जिनका नाम सूची में नहीं है, उन्हें पुनः विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिनका सूची में नहीं है, उन्हें पुनः मतलब करवाना नहीं पड़ेगा, अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा। तो देख लीजिए आपका नाम यहाँ पर है या नहीं, तो ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और अब चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर, ये आपके लिए कुछ। तो ये 9 पेज की पूरी पीडीएफ फाइल है। पीडीएफ फाइल में दोस्तों यहाँ पर ये अंग्रेजी विषय का आ चुका है। अंग्रेजी विषय में यहाँ पर मेरिट वगैरह आप साइड में देख सकते हो, पूरी चीज़ें हैं। और इसके बाद हिंदी विषय का आ चुका है, हिंदी विषय में भी आप देख सकते हो, नाम देख लीजिएगा अपना। तो पर और यहाँ पर गणित विषय का आ चुका है, और गणित विषय के बाद दोस्तों संस्कृत विषय का है। संस्कृत विषय में आप देख सकते हो अभ्यर्थी का एक नाम ही है, और देख लीजिए दोस्तों एक किसका नाम है जिसका भी है, देख लीजिए। और जल्दी से जल्दी अपनी चेक कर दीजिए, और आप जो भी आगे एक्शन लेना है वो जल्दी से जल्दी ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।